भाई का सवाल है कि पूछ रहे हैं कि हदीस का जो हवाला दिया उन्होंने कि बंदा इल्म का हारिस है और इल्म को हासिल करता जा रहा है, कातर जा रहा है, लेकिन जितना इल्म हासिल करेगा तो उसके हिसाब से उसको अमल उससे पूछा भी जाना है। भाई इल्म हासिल किया तो अमल कितना किया तो उससे पूछा जाना है। तो देखिए वहाँ जहाँ हमको ये चीज़ें मिलती है तो वहाँ हमको ये भी चीज़ें मिलती है कि बंदा इतना इतना कर ले तो वो जन्नत चला जाएगा। जैसे एक आए शख्स आया अल्लाह के रसूल सल्लम, पूछा कि अल्लाह के रसूल कौन है, जानकारी बोले मैं हूँ, और उन्होंने अल्लाह के रसूल अपना जो है उनको दिया, बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो कहा कि ठीक है मैं ईमान लाता हूँ, वो क्या करना है मुझे बता दो। तो उन्होंने बताया कि भाई तेरे को अल्लाह को एक मान, उसके साथ तेरे को शरीक मत कर, नमाज की पाबंदी कर, रोज़े रख और हज कर, अल्लाह के घर का हज कर। और जब जकात का भी नहीं आया था उस वक्त हुक्म, तो तब वो इतनी बात सुन के चला गया। इतनी बात सुन के चला गया, बोले मैं इससे ज़्यादा करूँगा ना इससे कम करूँगा। जब वो जाने लगा अल्लाह के साहबा से कहा जन्नती देखना है, बोले अगर ये कहकर गया इस बात पर जमा रहा तो ये जन्नती। तो देखिए एक आदमी इल्म हासिल करना, तो इल्म हासिल करने का फ़ायदा क्या होता है, जितना इल्म हासिल करेगा एक आदमी, ऐसा नहीं होता कि जितना इल्म हासिल हो इतना को इतना पूरा उसका अमल हो। हालांकि हमारे असलाफ में हमको मिलेंगे ऐसे लोग, उन्होंने किया भी ऐसा, साहबा की ज़िंदगी हमको मिलेगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आता है कि ऐसी कोई सुन्नत नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी ना, अल्लाह के रसूल वसल्लम की हर चीज़ पर उन्होंने अमल किया। लेकिन सिर्फ वो कहते थे कि अल्लाह के रसूल वसल्लम को जो है अल्लाह ने एक नवासी दी थी, वो मेरे को जो नवासी नहीं है, तो मैं क्या है कि उसको मेरे कंधे पर बिठा कर नमाज नहीं पढ़ सका, ये सुन्नत मुझसे रह गई। तो इतना भी करने वाले भी हैं। तो इल्म का हासिल करना तो फ़र्ज है, इल्म हासिल करे, उसमें सही मुस्लिम की रिवायत और कुरान की आयतें भी, तो इल्म हासिल करे। तो इल्म जितना हासिल करेगा तो अमल जब उसके अंदर वो बढ़ेगा और उस इल्म का फ़ायदा दूसरों को भी पहुंचाएगा, और जब दूसरों को पहुंचाता है तो उसके अंदर अमल आता है। अमल ऐसे नहीं आता, इल्म हासिल कर लिया उसके अंदर तो अमल नहीं आता। अमल जब आता है कि आदमी दूसरों तक जब बार बार बात को पहुँचाता है, बार बार बात को पहुँचाता है, रिपीट करता है बार बार, तो उसके अंदर उसकी अमल की पुख्तगी आती है। तो इल्म हासिल करना तो ज़रूरी है, उसके पास जितनी ताकत है। तो उसके पूछा जाना क्या है, उससे ये भी पूछा जाना है कि तेरे में इतनी ताकत थी तो इतना इल्म हासिल क्यों नहीं किया। ये सवाल भी इल्म के अंदर ही है कि तेरे पास सलाहियत ज़्यादा थी, तेरे पास ज़्यादा ताकत थी, तेरे पास वक्त ज़्यादा था, तू पढ़ा लिखा था, तो इंग्लिश पढ़ सकता था, तो अरबी पढ़ सकता था, तो उर्दू पढ़ सकता था, हिंदी वो लैंग्वेज भी पढ़ सकता था, तू इल्म हासिल कर सकता था, इतना इल्म हासिल क्यों नहीं किया। इतना इल्म हासिल करता लोगों को फ़ायदा पहुँचाता, तो उसके बारे में उससे पूछा जाना। तो वो इल्म हासिल करना तो अब ऐसा वो है कि भाई जितना उसकी ताकत है, इस्तेतात है, उसके हिसाब से उससे अमल के बारे में पूछा जाना है, जितनी उसकी ताकत है उसकी से, कि ताकत से ज़्यादा नहीं पूछा जाना। इल्म हासिल तो उसने कर लिया लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि एक के बाद एक उमरा और हज करना तुमको इससे जो है धो देता है, जैसे लोहे से जो है जंग निकल जाती है, इस तरह तुम्हारे गुनाहों को पाक कर देता है। लेकिन अब उसमें ताकत नहीं है, माल नहीं है उसके पास, वो तो नहीं कर सकता। तो जहाँ तक वो इल्म हासिल कर रहा है तो उससे वो इल्म कभी भी बेफायदा नहीं होगा, इल्म फ़ायदेमंद ही होगा। अमल चाहे नहीं हो रहा है लेकिन वो उसको फ़ायदेमंद होगा, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएगा, या तो वो सामने वाला अमल करता है तो उसको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें जो उसके अंदर बातें आती है, असल में हमको क्या लगता है कि एक दूसरे से टकरा रही है कि भाई इसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते हो। तो आदमी सोचता बोलो ही मत, तो अपने को पूछा ही नहीं जाएगा, अपनी तो कहेगा भाई तुम बात। तो ये चीज़ें वो नहीं है, ये आपस में ये तनाज़ा नहीं है, टकराती नहीं है। इल्म हासिल हम करें, लोगों तक उसको पहुँचाएँ, और अपने जितनी आदमी में, क्योंकि वो हदीस भी है कि आदमी अपनी ताकत के हिसाब से अमल करे। अगर तुम्हें कि चाहे वो दो नफिल नमाज ही पढ़े रोज एक्स्ट्रा फ़राइज़ के अलावा, लेकिन वो दो लेकिन कब तक पढ़े वो, उसको कंटिन्यूस रखें, दो ही पढ़े। ये नहीं कि एक दिन आया उसने 100 पढ़ ली और बाद में भी उसके पते ही नहीं, सालों ही नहीं पढ़ रहा। तो वो उसके अपने ताकत के हिसाब से इल्म तो हासिल करे, इल्म की सलाहियत है तो हासिल करे, लोगों को उस पर फ़ायदा मिलता है। दूसरा ये कि उसके मुताबिक जितना हो सकता है, जितनी कोशिश हो सकती है, उतना अमल भी वो करने की कोशिश करे। तो उसकी ताकत और जितनी इस्तेताद थी उसकी, उसके हिसाब से अल्लाह उससे पूछेगा कि भाई तेरे पास इल्म तो था लेकिन तेरे पास इतनी इस्तेताद भी मैंने दी थी, तू कर सकता था, कर सकता था तो वो करे, वो नहीं करा तो वो पूछा जाना। आगे लगे यही नहीं कि पूरा इल्म है तो पूरा का पूरा उससे पूछा जाना, तो इल्म हासिल करना छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है।